नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में सकुशल होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्मों की माला। जब हम पूजा करते हैं तो भगवान को माला चढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो जो माला हो वो फ्रेश फूलों की बनी हुई हो, या तो उसमें बहुत वैरायटी के फूल हों, या फिर इस तरह से डिज़ाइन उसमें फूलों की बनी हो कि वो उनको पसंद आए और फ्रेश फूल हों, बहुत सारी अच्छी खुशबू उसमें आ रही हो। हम कोशिश ये करते हैं अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी, अच्छे ताज़े फूलों की माला ला के उनको पहनाने की, उनको अर्पण करने की कोशिश करते हैं। कई लोगों ने देखा है कि वो जब काम करते हैं तो बहुत आसानी से उनके काम हो जाते हैं, या कई लोगों को बहुत ही उस काम को करने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता होती है। कुछ लोग भाग्य से लेके आते हैं और कुछ लोग अपना भाग्य खुद बनाते हैं। भाग्य से लेके आए तो बहुत अच्छी बात है, खुश रहिए और आगे भी अपना भाग्य इसी तरह से बना रहे, उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए। क्योंकि अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल अगर हम देखें कि हमारे पास जो सपोज़ 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए अगर हम उसमें कुछ ऐड ऑन नहीं करेंगे तो आगे हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? ये 1 लाख रुपए से हम कितने दिन तक अपना पेट भर पाएंगे? इसमें हमें कुछ ना कुछ तो ऐड ऑन करना ही पड़ेगा, तभी हम आगे जाके सर्वाइव कर पाएंगे और अपना भरण पोषण या अपनी फैमिली का भरण पोषण कर पाएंगे। तो कर्म अगर हमें अच्छे आगे करना है तो हमें कर्मों की जो माला है उस पर बहुत ही अच्छे से ध्यान देने की आवश्यकता है। भगवान को तो हम चढ़ा रहे हैं बहुत अच्छी सी माला, लेकिन जब खुद के पहनने की बारी आई तो हमने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। हमने कैसे भी फूल हो, फूल थे चाहे ताज़े हों, चाहे कई दिन के फूल हों, चाहे उसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही हो या ना आ रही हो, इट डजेंट मैटर। हम तो बस एक माला, एक अनजानी सी, अनदेखी सी माला हम अनइंटेंशनली या अननोइंगली बनाते चले जाते हैं और उसी माला को हम बहुत सालों बाद जब हमारा बिल्कुल एंडिंग टाइम आने को होता है तो हम उसे पहनते हैं। अब आप पूछेंगे भला ये कैसी माला हुई? जनाब, ये माला कर्मों की माला है और कर्मों की माला से मतलब ये था कि आप जितने अच्छे कर्म करेंगे उतना ही वो जो कर्म है उसकी सुगंध आप दूसरों तक, सबके सामने, पूरे एनवायरनमेंट में बिखेरेंगे। आपके व्यक्तित्व की सुगंध, आपके जो नेचर है, आपके जो काम करने का तरीका है, वही लोगों की कहना चाहिए अट्रैक्शन का कारण बनेगी। आपने जो लोगों को अगर नॉलेज की बात करें, अगर किसी को दी है तो वही अट्रैक्शन का कारण बनेगी। वही नॉलेज एक सुगंध का काम करेगी, खुशबू का काम करेगी और हर जगह बिखर जाएगी और आपकी पहचान एक अलग ही अस्तित्व के साथ होगी और उसको ही हमने कर्म का नाम दिया है। तो अगर हम ये सोचें कि हमें हर दिन एक कहना चाहिए कोई एक अच्छा कर्म करे, ताकि हम अपनी जो माला बना रहे हैं, अगर हम नोइंगली उसमें कर्मों का जो एक फल है वो, या कहना चाहिए उस कर्म रूपी फूल कि उस माला में जो हम पिरो रहे हैं वो इस तरह से हो कि वो माला बहुत सुंदर हो, ताकि हम लास्ट में जब हम अमर अंतिम कहना चाहिए क्षण होते हैं जहाँ हम उस माला को पहने, तो एक हमारे एक अलग ही पहचान, एक अलग ही हो कि हाँ ये इंसान ने ऐसा किया, बहुत अच्छा किया। हम सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं कर रहे होते, हम अपने लिए भी कर रहे होते हैं, ताकि हमें बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको करने से हमें खुद को ही सेटिस्फेक्शन होता है। और जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं या तो आपके लिए अच्छा होता है या दूसरों के लिए अच्छा होता है, मीन्स कहीं ना कहीं अच्छाई हो रही होती है। किसी भी काम का एग्जीक्यूशन करने के लिए, किसी भी काम के इम्प्लीमेंटेशन हो रहा होता है तो वो चीज़ प्रोसेस हो रही होती है, आउटपुट निकल रहा होता है, चाहे वो आपके लिए हो किसी और के लिए हो, मतलब फल मिल रहा है, चाहे उस फल को आप खाएं चाहे उस फल को दूसरे लोग खाएं। दूसरे लोग खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कोशिश ये करते हैं हम जब भी माला खरीदते हैं उसमें कोई भी ऐसा फूल नहीं उसमें चुनना पसंद करते कि जिसमें कोई सुगंध ना हो या बहुत दिनों का हो फूल, मुरझाया हुआ सा फूल हो। तो हम जो अपने कर्मों की माला बना रहे हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं, अगर कोशिश करें कि हर दिन हम एक
नया अच्छा कर्म करें, ताकि उस माला को जहाँ हमारे उससे खुशबू बिखरे तो इस तरह से बिखरे कि हमारे जो भाग्य है उसी कर्मों के अनुरूप और अच्छा बनता चला जाए। मतलब कहने का ये था, जो मैंने एग्जाम्पल बताया था, जो 1 लाख रुपए मेरे पास बचा था, जिसको मैं कुछ सीमित समय तक ही उन रुपयों का इस्तेमाल करके अपना पेट भर सकती थी या अपना फैमिली का पेट भर सकती थी, अगर मैंने उसमें और कुछ ऐड ऑन किया तो वो दिन पर दिन, अगर कहना चाहिए प्रॉफिट के तौर पे कह लो या इंटरेस्ट के तौर पे कह लो, वो बढ़ता चला जाएगा और हम आगे तक भी हमें इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी अपना पेट भरने के लिए, वहीं से वो चीज़ अरेंज हो जाएगी। तो ये जो हमारे कर्म होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे उन चीज़ों के जो भाग्य में अच्छी चीज़ों के लिए उसमें जो ऐड ऑन कर रहे होते हैं, ताकि हमारे जो बुरी चीज़ थी उसका जो रिज़ल्ट तो हमने मिलना ही मिलना है, लेकिन अगर जो अच्छी चीज़ों का जो हमें बेनिफिट मिलना है तो वो इतना ज़्यादा मिल जाए कि हमें बुरी चीज़ का उतना एहसास ना हो। जैसे कि हमें जब भी कभी कहीं कट लग जाता है, हमें खून निकल रहा होता है, हम बैंडेज लगा देते हैं या फिर हमें दर्द हो रहा होता है, हम कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं, ताकि वो चीज़ से हमारा माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाए और वो चीज़ उसको ओवरकम कर दे, हमें वो चीज़ सही कर दे। वहीं पे हमारे जो अच्छे कर्म हैं उनका भी वही मेडिसिन का ही वो काम कर रहे होते हैं कि वो चीज़ से हमें राहत दे दे, क्योंकि हमें दर्द तो हमें भुगतना ही है। अगर जहाँ कट लगा है वो जो ऑटोमेटिकली उसकी हीलिंग होगी 1 हफ्ते में 10 दिन में, उतना टाइम तो लगेगा ही, लेकिन अगर हमने उसे दवाई खा ली तो हमारा दर्द ज़रूर कम हो जाएगा। हमें काम करने की जो हमारी कैपेसिटी थी उसमें ठीक है थोड़ा सा भी इजाफा अगर ठीक है बेकार हो गया कि ठीक है हम इतना कम काम कर पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हम काम एटलीस्ट कर पाएंगे, हमारा काम सफ़र नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी हमें बस वही है कि कर्म अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे डे बाय डे उन जो कर्मों का, बुरे कर्मों का जो हमें भोगना पड़ रहा था, या फिर कहना चाहिए उसकी वजह से बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, हमारे काम पूरे नहीं हो रहे थे, तो हम इतनी अच्छी चीज़ें करते जाएंगे, अच्छे कर्मों की, अच्छे कर्म रूपी फूलों की माला को, फूलों से हम जो माला को पिरोते चले जाएंगे, तो एक दिन हमारे जो व्यक्तित्व का जो आकर्षण है वो इतना बढ़ जाएगा कि लोग उसी व्यक्तित्व को सराहेंगे और आप कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे, और आपके व्यक्तित्व की वजह से ही आपके सारे काम बिना बेरोक टोक स्मूथली बनते चले जाएंगे, आपको इसका इल्म भी नहीं होगा कि कैसे हो रहे हैं, क्योंकि आपने खुशबू इतनी अच्छी बिखेर दी थी। और खुशबू किसे अच्छी नहीं लगती जनाब, सबको खुशबू अच्छी लगती है। तो कोशिश कीजिए अपने जो कर्मों की माला है उसमें अच्छे अच्छे फूलों को चुन के, नोइंगली जो आपको पसंद है उन फूलों को आप चुनिए और उनको पिरो के आप माला तैयार कीजिए। देखिए फिर आपके काम कैसे बनते चले जाते हैं, लोग आपको कैसे पसंद करते चले जाते हैं, और उस सुगंध से आपका तो भला होगा ही होगा, आपके काम तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में दूसरों का भी भला होगा। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, इस इंटेंशन के साथ काम कीजिए, आपका और दूसरों का, जहाँ सबका भला हो रहा है, वही मानवता के लिए किया गया कर्म है। अंत में आपसे विदा चाहूँगी और एक नए वीडियो में फिर से आपके सामने जल्दी ही हाजिर होती हूँ। तब तक आप अपना सबका ध्यान रखिएगा, स्पेशली कर्मों पे ज़रूर अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।